प्रदेश की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह अब अलग राह पर चल पड़ी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हटा दिया है। वहीं प्रोफाइल बदले जाने के बाद ट्विटर ने भी ब्लू लिंक हटा दिया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना ट्विटर प्रोफाइल और बायो बदला था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और कमलनाथ सरकार गिर गई। अब कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में सदर विधायक ने अपनी अलग राह चुन ली है। यूपी में लॉकडाउन के बीच कई दिनों तक चली पॉलिटिक्स पर अदिति सिंह ने अपनी पार्टी के रुख की कड़ी आलोचना की थी। इस पूरे मामले में विधायक अदिति सिंह ने योगी सरकार के रुख का समर्थन किया था। अदिति सिंह ने ट्विटर पर लिखा था, आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या ज़रूरत, 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज़्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के, यह कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। हम आपको बता दें कि अदिति सिंह लंबे समय से कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। पिछले साल पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए अदिति विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पहुंची थीं। इसके बाद उन्हें पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाने के मसले पर भी अदिति सिंह ने कांग्रेस से अलग अपना पक्ष रखा था। हाल ही में कोरोना वॉरियर्स के लिए PM मोदी की अपील पर भी उन्होंने दिए जलाए थे। SPN9 के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट।